अक्षय और सानवी एग्जाम के लिए इक्वल मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी सानवी के ज्यादा मार्क्स आते हैं। सानवी ये देख, मेरे आंसर्स बिल्कुल सही है, फिर भी टीचर्स ने मेरे नंबर काट लिए। और उसकी सप्ली देखकर सानवी बोलती है, अकी तूने आंसर्स तो सही लिखे हैं, पर सिर्फ तू ही उन्हें पढ़ सकता है, मेरी हैंडराइटिंग बहुत बुरी है ना। हाँ, पर कोई बात नहीं, मेरे पास 5 टिप्स है जिससे तेरी हैंडराइटिंग सुपर से भी ऊपर हो जाएगी। टिप 1, महंगी और मोटी ब्रांडेड पेंस के बदले वो पेन से लिखो जो तुम्हारे हाथ में कंफर्टेबल हो। 4 रुपए वाली साइनो सॉफ्टटेक बेस्ट है। टिप 2, लिखते वक्त अपनी बैक स्ट्रेट रखो और हाथ और रिस्ट रिलैक्स्ड। सही पोस्चर से बुक पे कम प्रेशर पड़ेगा और राइटिंग अच्छी आएगी। टिप 3, जिन बच्चों की राइटिंग गंदी होती है मोस्टली वो बहुत फटाफट लिखते हैं, जैसे कोई ट्रेन छूटने वाली हो। धीरे धीरे आराम से हर वर्ड पे फोकस करने से ही अच्छी राइटिंग आएगी। टिप 4, गुड हैंडराइटिंग का बेसिकली मतलब है कि वर्ड्स के बीच में सिमेट्री हो, तो लिखते वक्त दो चीजों का ध्यान रखो, पहला दो वर्ड्स के बीच की स्पेसिंग और दूसरा लेटर्स की हाइट सेम हो। और फाइनली टिप 5, रोज 30 मिनट को इंग्लिश की बुक से पैराग्राफ लिखो और ऊपर की सारी टिप्स फॉलो कर उसको बेटर कर, फिर से रीराइट करो।